हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड करूंगा जो आप कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं जो मंडे के हमने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया है। तो पहले स्टॉक है आपका डीएलएफ का। डीएलएफ में सेलिंग लेवल था 409 का, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और स्टॉक अपसाइड में ही रहा है। तो 409 का सेलिंग लेवल था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेकेंड स्टॉक था हमारा एसआरएफ लिमिटेड का, इसमें बाइंग लेवल था, बाइंग लेवल हमारा था 2413 के ऊपर। तो स्टॉक ओपन हुआ 2412 पे, हाई लगाया 2416 का, देन उसके बाद सीधे फॉल ली रहा है, क्योंकि मार्केट में आज स्टार्टिंग में एक अच्छा निफ्टी में फॉल देखने के लिए मिला, जिसके कारण सभी स्टॉक डाउनफॉल में थे। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक में हमारा लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कल के स्टॉक देख लेते हैं कौन से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा JSW स्टील का। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेटल एंड स्टील सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। टाटा स्टील, आपका जिंदल स्टील एंड हिंडाल्को, इनमें अच्छा मोमेंटम है। तो ये भी हो सकता है कल इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो बाय करेंगे हम 760 के ऊपर, टारगेट होगा 768 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 754 का। सेकेंड स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें भी आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, तो कल के सेशन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं हम। तो बाइंग लेवल होगा हमारा 618 का, टारगेट होगा 624 का, और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 615 का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।